उसके हिसाब से हमारे पास अभी तक का जो आंकड़ा है वो 4,15,000 का है। अच्छा, ये इसमें तो नहीं आ रहे ना आप, ये जो रेल लोगों वगैरह कर रहे हैं साहब का सैनिक वाले, उसमें ही तो आएंगे ना सर। कब आएंगे? कल हम कल शाम। नमस्कार, जय हिंद। 25 नवंबर 2023 को सुबह 8 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर रेल रोको आंदोलन होगा और यह किया जाएगा देश के सभी पूर्व सैनिकों द्वारा। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी मध्य प्रदेश के यज्ञ प्रताप सिंह जी के पास क्राइम ब्रांच एसपी की ओर से कॉल आया। उन्होंने इनपुट ली कि कितने सैनिक आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, किस कन्वेंस के जरिए आ रहे हैं, कहाँ पर रुकेंगे, ताकि ये इनपुट सरकार के पास में भेजी जाए, बताई जाए और उसी के अनुसार सरकार और दिल्ली पुलिस तैयारियां करें। तो जब यज्ञ प्रताप सिंह जी ने बताया कि केवल 2 और 3 जिलों से 4 से 5 हज़ार पूर्व सैनिक आएंगे, तो क्राइम ब्रांच एसपी दिल्ली के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि क्या पूरे भारतवर्ष से 4-5 हज़ार पूर्व सैनिक आने वाले हैं या केवल 2-3 जिलों से? तो यज्ञ प्रताप जी ने कहा कि 2-3 जिलों से ही 4-5 हज़ार पूर्व सैनिक आएंगे और इनका महापड़ाव 25 नवंबर 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर होगा और उसके बाद वहां पर रेल रोको आंदोलन होगा। इसके बाद एसपी साहब हतप्रभ रह गए। आप इस वीडियो में पूरी बातचीत सुने कि क्राइम ब्रांच के एसपी साहब ने यज्ञ प्रताप सिंह जी के साथ क्या बातचीत की, उन्होंने क्या बातें जानना चाही, और इसके बाद इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि आपकी कॉल सक्सेस होने वाली है, दिल्ली पुलिस अलर्ट है, सरकार को भी ये कानों कान खबर लगेगी कि दिल्ली में व्यवस्था बिगड़ने वाली है। हालांकि पूर्व सैनिकों ने कहा कि हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना जाब्ता लेके प्रबंध जरूर करेगा। आप इस वीडियो और ऑडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हेलो हेलो जी सर। भाई पी सिंह जी नमस्कार। जय हिंद, प्रणाम, कैसे हैं साहब? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया जी। अच्छा, आप आर्मी से कब भर्ती हो, कब रिटायर हुए थे? 12/4/2001 मेरा ज्वाइनिंग है सर, और 2017 रिटायरमेंट है जी। और आपका गांव किधर पड़ता है? मेरा रीवा जिले में गांव कोठी है। रीवा जिले में गांव मुखोटी? हाँ, रीवा जिला रीवा, ग्राम कोठी, पोस्ट रघुराजगढ़। ग्राम कोठी जी जी। पोस्ट क्या बताई? पोस्ट रघुराजगढ़, थाना मनगमा। रघुराजगढ़ जी जी। और थाना? थाना मनगमा आता है। मनगवा? हाँ जी जी जी। मनगवा? मनगमा जी, गमा। एज क्या वैसा इस आपकी एज? मेरी 41 सर। 41 जी। अच्छा अच्छा, ये इसमें तो नहीं आ रहे ना आप, ये जो रेल लोगों वगैरह कर रहे हैं साहब का सैनिक वाले, उसमें ही तो आएंगे ना सर। कब आएंगे? कल हम कल शाम तक समथिंग पहुंच जाएंगे हम। अच्छा, कितने आदमी आ रहे हैं उधर से? हमारा 3 स्टेट से, हम 4,000 के समथिंग समझिए। अच्छा, नहीं एमपी से कितने आ रहे हो? ऑल का तो मुझे नहीं पता सर, क्योंकि औरों से मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन सतना जिला, रीवा जिला और सीधी, यहाँ से हम लोग समथिंग 4,000। उमरिया के भी कुछ लोग हैं, लेकिन उमरिया से ज्यादा नहीं है, 10-15 से 20 लोग हैं। अच्छा जी, तो सतना रीवा से कितने बताया आपने? सतना रीवा सीधी 4,000 के समथिंग। 4,000 जी। तो कैसे आ रहे हो वहां से? हम लोग बाय ट्रेन निकलेंगे सर। बाय ट्रेन जी। अच्छा अच्छा, तो कब पहुंचेंगे? कल रात हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर ठहरने का कहां बंदोबस्त है? अब ये तो जो जहां जैसे पाएंगे वहीं रुकते जाएंगे, और फिर जहां भी होगा क्या बताएं। अच्छा जी, क्योंकि ऐसा है ना, फिर गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं अरे लोग ने देगी। हाँ वो तो है ही है सर, वो तो अब आप देख ही रहे हैं, हम आपके साथ में 1 साल से बैठे हैं सरकारी। अब हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि 1 साल से सैनिक अपने बातों को लेकर शांतिपूर्वक बैठे हैं, और संविधान के दायरे में हम काम कर रहे थे, लेकिन हमारे देश का एक इतिहास रहा है कि जब तक देश के अरबों रुपए के नुकसान न हो तब तक ये लोग मानते नहीं। हाँ। है ना, जितने भी आंदोलन हुए हैं, हालांकि हम लोग इस तरह से क्षति नहीं पहुंचाएंगे किसी चीज को, ना ही पुलिस प्रशासन से हमारी कोई अभद्रता होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ही बंदे हमारे सामने खड़े हुए हैं।
जी जी, और आपकी मजबूरी है कि आप अपना लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें जरूर रोकेंगे, तो आपका भी वो अधिकार है। जी जी जी, तो इन सबको देखते हुए हम लोग सर काम करें, लेकिन मजबूर हैं कि एक साल से जब नहीं सुना जा रहा तो जो सरकार को जरूरत है वही करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा। अच्छा अच्छा, है ना, तो मतलब टोटल बंदे 4,000 हो जाएंगे। जी सर, दिल्ली में जी सभी स्टेट से मिला के? नहीं नहीं सर, अपने अब मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाकी पंजाब आ रही, हरियाणा आ रहा, उत्तर प्रदेश आ रहा, राजस्थान आ रहा, बिहार आ रहा, तमिलनाडु आ रहा, चेन्नई से लोग पहुँच रहे हैं, ऑल ओवर ऑल इंडिया के लोग पहुँच रहे हैं सर। अच्छा जी, ये तो उनके नंबर वगैरह है आपके पास जो यूपी वगैरह से तमिलनाडु से? इनके नंबर हमारे साथ पास में नहीं है सर, इनके नंबर मिलेंगे या तो हरवाल सर से, कपिल सर से, या तलवार से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई साहब। हाँ ठीक है सर, प्रणाम प्रणाम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।